नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। गया जिले के डोभी थाना क्षेत्र अंतर्गत कारमोनी गांव के समीप गया डोभी मार्ग स्थित भाजपा नेता संतोष कुमार गुप्ता के घर पर अज्ञात अपराधियों के द्वारा देर रात्रि 4 बम ब्लास्ट किया। घटना का समय बताते हुए भाजपा नेता संतोष गुप्ता ने बताया कि अचानक तेज आवाज के साथ खिड़की का शीशा टूटने का आवाज हुआ, तो हम लोग सभी परिवार उठे और देखा घर के बाहर तेज धुआं था। 2 बम दूसरे तल्ला पर आवाज हुआ और 2 बम 3 तल्ला पर आवाज हुआ। इस घटना की पूरी वीडियो घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दोनों तल्ला पर बम फेंकने में मात्र 10 सेकंड का अंतराल सीसीटीवी फुटेज से मिला है। वहीं घटना के सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरी घटना की जानकारी प्राप्त की है। इस दौरान वहीं पास में एक झोले से 2 जिंदा बम भी बरामद हुआ है, जिसे बम निरोधक दस्ता के द्वारा रिमोटली सुरक्षित स्थान पर ले जाकर डिफ्यूज किया गया। बम निरोधक दस्तक ने बताया कि डिफ्यूज किए गए बम, जिसमें एक बम 250 ग्राम का एवं दूसरा 100 ग्राम का बम झोले से बरामद हुआ है। इस घटना के बाद भाजपा नेता ने बताया कि 6 माह पूर्व भी मुझे सुपारी देकर जान से मार कर धमकी मिला था, मेरे घर का रेकी भी किया गया था। जान मारने की घटना डोभी थाने में 2 लोगों के खिलाफ दर्ज है। आज भी इस घटना के मामले को लेकर डोभी थाना में प्राथमिकी को लेकर पीड़ित संतोष गुप्ता ने आवेदन दिया है और कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना है। इस मामले में डोभी थाना अध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि 2 बम को डिफ्यूज कराया गया है, जांच पड़ताल कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मौके पर सीरघाटी SDPO भी घटना स्थल पर पहुँच कर जायजा लिया और जल्द ही अपराधियों को पकड़ने का आश्वासन दिया। ऐसा है कि हम लोग रात्रि में सोए हुए थे, एक भाई इतना आवाज आया कि भाई एक भाई हम पलंग से नीचे फेंका गए, बहुत चिंगारी और धुआं, एकदम पूरा धुआं धुआं भर गया, बड़ा आवाज हुआ। फिर सटले सटले 2-3 10 सेकंड पर 2-3 आवाज आया, तो फिर देखें कि हम लोग बड़ा बम से लोग हमला कर रहा, तो हम लोग हिम्मत करके फिर बाहर खिड़की से भी हुला के देखना चाहे तो मोटरसाइकिल से लोग देख रहे हैं इधर भाग रहा है लोग, और उसी बीच में फिर पुलिस को हम लोग खबर किए 256 में 247-248 की घटना है, और पुलिस आई तो नीचे भी 2 बम मिला। और एक्चुअली मेरे हम लोग पॉलिटिकल आदमी हैं, मुखिया भी रहे हैं, बीजेपी के लीडर भी हैं विधानसभा स्तरीय, तो प्लानिंग के तहत एक अपराधी किस्म का लोग हम लोग के पीछे पड़ा हुआ है, वो तो 2019 से पड़ा हुआ है, और उसको कभी मौका नहीं मिल रहा है, कभी गाड़ी का रेकिंग करके पीछा करता है, तो कभी हम 972-22 केस भी किए हैं पहले, अगर रंगदारी मांग लिया गया था हमसे और हत्या के सुपारी भी दिया गया था, जो उसका ही हम लोग जो भी थाना में केस दर्ज किया। हमको पूर्ण विश्वास है कि उन्हीं लोग के द्वारा फिर से पूर्णतः घटना का अंजाम दिया गया। इमरान खान हैं, पिताली हसन खान और देवानंद दास बलहन दास, यही के हैं। 4 विस्फोट हुए, 2 डिफ्यूज किया पुलिस, 6 विस्फोट टारगेट करने के लिए और दबाव बनाने के लिए, डराओ धमकाओ कि मैंने अब केस को कंप्रोमाइज कर ले, ये सब लेकर बजा कुछ नहीं, पॉलिटिकल बजा है कि यहाँ पहले 2019 में एक दंगा हुई थी हिंदू मुस्लिम, उन्हीं लोग गोली चलाया था 100-150 राउंड, हम लोग थोड़ा मुखर बोले थे कि गलत तुम लोग किए हो और ये सब अच्छा नहीं बात है, इसके लिए कि उन लोग टारगेटेड है। यहाँ तो भाई जानते हैं, यहाँ भी करीब 10 साल से यहाँ तौसीफ खान को भी लोग रखा, 10 साल से यहाँ भी रहा लोग, उसको पोस के रखा लोग, हम लोग भी उसका विरोध नहीं किए। अब जब पकड़ाया भाई तो उन लोगों को लगता है इन्हीं लोग ऐसा नहीं करवा रहे हैं, उन लोगों का शक रहता है बराबर कि हम लोग ऐसा, मैं हम लोग तौसीफ खान आतंकी, हाँ यहीं रह रहा था 10 साल से, यहाँ रही रहा, हाँ ले गया, तो सब NI समझे क्या है ना है भाई, हम नहीं जानते, बाकी इन्हीं लोग रखा और उसको ले कर बराबर टारगेट करना किसी, मैं बात है कि हम लोग थोड़ा मुखल आदमी हैं, बड़ा घर बने ले हैं, फॉर्चूनर चलते हैं लोगों का, थोड़ा सा मैंने पच नहीं रहा है, इससे भी थोड़ा मामला होगा हम लोग, हाँ तो आखिर बम मारा था और क्या, इससे बड़ा क्या हो सकता है, अब पुलिस बराबर अपना साथ साथ करती रहती है। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।